आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा बुखार है, हाथ पैर ऐसे लग रहा है कि बस जान नहीं है, कहीं भी बैठो तो लगता है कि बस बैठ जाओ आराम से। गोली खाती हूँ, उसके बाद छोटे मोटे काम करूँगी। मुझे पापा याद आ रहे हो, कहते अरे नींदू अरे भगवती आराम कर ले, फिर बोलते आराम नहीं मिलता। तो लगे पापा क्या करे, काम करने की आदत पड़ी है। अब काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस क्लीनिंग करनी है, फर्श की मोपी करनी है। पर अब जब सोने जाऊंगी ना बिस्तर में तो ये नींद नहीं आएगी। पर मन ऐसे कर रहा है कि मैं जहाँ बैठी हूँ ना मुझे निढाल होकर बैठ जाऊँ। अभी जो है कि तेरे को अब क्या बताएं कि पुरानी प्रॉब्लम, वो लंग्स की प्रॉब्लम है, इसको खांसी हो जाती है। जैसे ही वो होते हैं तो एकदम स्टीम ली, मैंने बहुत गार्गल भी कर लिए इस बार। मैंने अभी तक इस बार तेरे को दो बार, इस बार तेरे को बहुत जल्दी हुआ ये। हाँ, और इस बार तो मुझे खांसी भी कंटिन्यूसली हो रही है। खांसी तो कम ही नहीं हो रही, और ये कि कोल्ड बहुत जल्दी लग जाता है। पर मैंने स्टीम भी ली, और मैंने इस बार पूरा सोचा हुआ है कि मैं एंटीबायोटिक नहीं लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे कम से कम मुझे लगता है तूने अपने जीवन की सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक खा ली। मुझे खानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। हाँ, 3 दिन तो खानी पड़ेगी, और टूट ही नहीं रहा था पहले पीसीएन से। और तेरा भी यही, तू ना अब खाइएगी दवाई। हाँ, अभी क्या है 15 मिनट में आपको ना गर्मी पसीना आ जाता है, तो समझो बुखार निकल गया। सांस लेने में प्रॉब्लम है? सांस लेने में तो कह रही हूँ मैंने एक्सरसाइज करी ना, मतलब वो सांस में प्रॉब्लम हो ही थी। हो जाती है, चलो तो वैसे ही है ना, जुखाम लंग्स है, जो आपके लंग्स है वो। एक मिनट, वो मैं तो एक्सरसाइज करने के बाद मेरा सही है, मैं ये तो बता रही हूँ। जैसे मुझे जुखाम लग जाता है ना, थोड़ा सा भी जुखाम आ लो, खांसी नहीं है, कोल्ड ही है, तो अभी मुझे लंग्स में बड़ा खिंचाव रहता है। तो मैं अभी कुछ दिनों से कर रही हूँ, अर्ली के पेपर ख़त्म होने के बाद, पेपर में तो टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मुझे अभी तो भगवान की दया से सही लग रहा है। चलो, मतलब खिंचाव तो भारीपन तो ही लग रहा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। रात को जो कितनी मुश्किल होती थी मुझे कि मैं बस कैसा होता था दोस्तों, रात पता नहीं रात शब्द बनाया किसने। हाँ, रात और दुख, मेरे पापा कहते थे कि जो दुख है वो रात को ही आता है। पापा जब खांसी करते थे ना, पापा कहते पापा आप कितनी खांसी कर रहे हो और कितनी डिस्टर्बेंस होती है सोने में, तो पापा कहते थे कि बेटा खांसी तो रात को ही होती है, दुख तो रात को ही आते हैं, और सुबह जब होती है धीरे धीरे उजाला आता है, तो दुनिया चलती है, सूरज उगता है, पक्षी चहचहाते हैं। तो अभी अजीब है, मुझे कुछ भी अभी अच्छा नहीं लग रहा, जोश भी नहीं आ रहा, और पता नहीं कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। कई बार ऐसा लग रहा है कि कहीं अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा शरीर के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार मेरे साथ? अब ऐसा होने दोगी? हाँ, वो एक ओ हेनरी की कहानी है ना, आखिरी पत्ता। हाँ, वो मैंने अपने कहानी जो कौन से कहानी चैनल है ना उसमें सुनी थी। बोलो तो, मेरा उसको लिंक में जाना जरूर देखना। हाँ, अगर आप उस लिंक पे जाओगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। हाँ, तो उसमें आप जरूर देखना आखिरी पत्ता। तो वो आखिरी पत्ता ओ हेनरी ने लिखी थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनके घर में उसकी पत्नी, उसके माता पिता या वो उनको खुद को तपेदिक था, टीबी था उन्हें, तो उनकी जो बेटी थी वो भी टीबी से मर जाती है। और फिर उन्होंने इससे इंस्पायर, मतलब इससे दुखी होकर उन्होंने कहानी लिखी। तो मैंने उसमें बोला था कि मैं आखिरी पत्ता नहीं बनाऊँगी उस कहानी में, तो वो कहती है पत्ता झड़ जाएगा इस पत्ते की, मैं भी ये पत्ता गया तो मैं भी, पर मैं ऐसे नहीं सोच रही। बिल्कुल नहीं, ऐसे लड़ना है इस बीमारी से, लड़ना है और दिखाएगी कि अगर लंग्स खराब हो जाते हैं उसके बावजूद मैं जिंदा रहूँगी, मुझे सही रखना है। और फिर मैं तो अर्नी है। हाँ, मैं अर्नी को बगैर, मतलब अर्नी को हालांकि सब है देखने के लिए, पर फिर भी मुझे तो अर्नी के लिए जीना, मैं उसको बड़ा होते हुए कुछ बनते हुए देखना है। चलो दोस्तों, तो बहुत सारी बातें हो गई, फिर मैं मिलूंगी आपसे बाद में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शाम हो गई है और ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि 2 दिन तो दाल बना दी रात, रात को हम दाल में ज़्यादा खाते नहीं है, पर कभी कुछ ऑप्शन समझ नहीं आता, तो भी सोचा कि फाइनली कि लौकी लिए थोड़ी सी, उसके कोफ्ते बना लेते हैं। लहसुन तो डालेंगे नहीं, ऐसे बना दूंगे तबीयत तो होती खराब। अब ये सोचेंगे भाई खाना बना रही है, मैं भी तो बना सकती हूँ खाना। कह दे, आप लोगों को लग रहा होगा
ख्याल नहीं कर रही, मैं क्या करूँ, मेरी ना आदत है, मैं बीमारी में अगर बैठ जाऊँगी ना तो मुझे लगेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ बीमार नहीं हूँ। देखो दोस्तों, उसको मैं ना मना कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि सब्जी मत बना, मैं कर दूंगी काम, है ना। और देखो ये काम करने में लगी हुई है, देखो। और मैं पर मुझे नींद ही नहीं आ रही, आज जब नींद नहीं आई तो कुछ काम ही कर लो, उसे ना टाइम पास हो जाता है, फिर रात को आराम तो करना ही है सब में। तो बस मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगी, बहुत रुक रही, मुझे दिन में बहुत सूखी खांसी हो रही थी, और इससे क्या हुआ, मेरा जो गला है ना वो बहुत सूख गया, सर सूख गया और अंदर छिल गया है, उस खांसने की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था गले में, तो फाइनली मैं वो एंटीबायोटिक लेके आई। परसों में खराब ही है, पर पहले ना मैं सुबह लहसुन खाती थी खाली पेट, घुट के लहसुन चबाती थी, कहते लहसुन कंटिन्यूसली खाने से ना ये बीमारी धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो अब नवरात्रि पर कोई शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता, जब भगवान ने भी बोला है कि जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी आप हमारा नाम लेके क्या करोगे सर, तो फिर मैं तो कल सुबह खाली पेट उठ के लहसुन जरूर खाऊंगी। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है, उससे आपके जो लहसुन खाली खाओ या चबा लो या उसको निकल लो। हाँ, अब ऐसे ये बन गया है टमाटो सूप, ये एक आदमी ने बोला वो पिएगी, ये दिन की है खिचड़ी, ये बन गया चावल। हाँ बोलो, आओ, ये बन गई कोफ्ता करी, मेरा गला मस्त है, अच्छा है। और तो हमारा खाना रेडी है, ये कौन पिएगा ना, मैं भी पीऊँगा, इतना पसीना क्यों आ रहा तुम्हें, हैं पंखा वकाना, इतना पसीना तो मौसम ही नहीं है। तो ये है बेनाड्रिल, बेनाड्रिल आ गई है फैमिली साइज में भी आ गई है, मुझे छोटी वाली होती ना तो दोस्तों वो ना बहुत महंगी पड़ती है, छोटी सी सीसी होती है वो पड़ती है आई थिंक 120-130 की ऐसी पड़ती है, तो हमें केमिस्ट ने बोला कि तुम ना बड़ी साइज की ले जाओ और ये सस्ती पड़ेगी, तो ये हमें पड़ी 220 की, तो मैंने कि ये ज़्यादा अच्छी है, ऐसे भगवान करे किसी को ज़रूरत ना पड़े, तो ये फिर भी बेहतर है छोटे छोटे। हमारा लंच हो गया है और डिनर हमने कर लिया है, और बहुत ही सीधी सादी कोफ्ता करी बनी, लहसुन प्याज मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था, देखो तो बीमार से टेस्ट नहीं आ रहा था, तो बस काम खत्म हो गया, बस मन कर रहा है आराम से ना बिस्तर में जाके सो जाऊँ, लेट जाओ एक लंबी नींद, कोई डिस्टर्ब ना करे बस। तो दोस्तों कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, और होप क्या ही हो कि मैं भी बेहतर हो जाऊँ, और नए जोश के साथ नई उमंग के साथ, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा देखिए, तो मिलते हैं, शुभ रात्रि।